ज्यादा तो क्या कहूं, ये तो अगले साल हम शताब्दी में मिलेंगे तब हमें हम आपसे रूबरू होंगे, क्योंकि जिनके दरबार में आप आए हैं वो आपको देख रहे हैं। प्लीज जो बातचीत करें वो ध्यान रखें कि आप कथा स्थल में हैं। आप सबका धन्यवाद देते हुए और इस मंदिर के जो देख रेख करते हैं ये पूरा परिवार, मैं उनको भी हृदय से साधुवाद देता हूं जिन्होंने इस कली काल में इस बाबा रामदेव प्राचीन मंदिर को ऐसा रूप दिया। धन्यवाद तो मैं सबका देता हूं। कल भी मैंने कहा मैं आखिरी व्यक्ति तक जो यहां पर सफाई करता है, दरी बिछाता, उनका कितना बड़ा सहयोग है। चारों दिन तक जो बारिश नहीं हुई, चारों दिन बारिश हुई है और इन्होंने सब मैनेजमेंट संभाल के रखा। एक बार उनके लिए जो जिन्होंने ये सब किया है उनके लिए, हाँ ये बात और मंदिर के जो ये परिवार है इनके लिए इतना ही कहूं कि बाबा इनको हमेशा स्वस्थ रखे और ऐसी सद्बुद्धि दें जिन्होंने इस आंगन को सत्संग वाटिका बना दिया। और साहब कुछ भी नहीं है, किसी के घर में जगह न, और यहाँ आकर परिवार वाले यहीं रहते हैं और यहाँ इतना साउंड बजता है, इनको कभी इनके चेहरे पर हमने कभी ऐसा देखा नहीं। कितनी बड़ी कृपा है इन पर बाबा की। हम गोकुल जी से कथा सुनेंगे, इससे पहले दो लाइन गाओ, क्योंकि कुछ भक्तों की फरमाइश इस समय बहुत कम है और हम गोकुल जी को ही सुनना चाहते हैं, हम खुद सुनना चाहते हैं। कल हमने कथा गाई थी विवाह तक की, फिर एक जगह ऐसा गुरुजनों से मिला कि विवाह के बाद बाबा रामदेव जी जब सहज सैया पर जा रहे थे उससे पहले दो पंक्तियां गा दो। सेज सजी कलिया बिछी, उड़ी के सलोनी नार, और जो प्यारी सेवा करे मारा रामा राज कमा। सेज सजी कलिया बिछी, उड़ी के सलोनी नार, और रोगियां री सेवा करे रामा राज कुमार। रात सुहागरी में लारा सुख छोड़िया, रात सुहागरी में लारा सुख छोड़िया, रात सुहागरी में लारा सुख छोड़िया, रात सुहागरी में लारा सुख छोड़िया। भीड़ देखी भक्ता में उखाड़ा पगा दौड़िया, भीड़ देखी भक्ता में उखाड़ा पगा दौड़िया, भावना से ज्यादा कर तब्य मानिया, भावना से ज्यादा कर तब्य मानिया। बाबा तेरी जय बोलेंगे, बाबा तेरी जय बोलेंगे, छोटे मोटे जय बोलेंगे, सदा बंदगी जय बोलेंगे, जय बोलेंगे, सुनार वीर की जय बोलेंगे, बाबा तेरी जय बोलेंगे। इसी कड़ी में
अगर आप चाहते हैं कि शताब्दी समारोह हमारा और विराट हो, मंदिर और बड़ा हो, उसके लिए एक बजट पास करवा देते हैं, दो लाइन में। हाँ, क्या बजट पास करवाना है? सुनील भैया, रवि भैया कहाँ गए? हाँ, हमने आपके सारे परिवार के लिए बाबा से विनती की है कि बाबा आपके परिवार को स्वस्थ रखें और हमेशा आशीर्वाद बना रखें, ये सत्संग वाटिका और बड़ा हो, इसके लिए एक बजट पास करवाते हैं हम सब मिलकर। हमारे साथ हैं, बजट पास में कौन कौन साथ दे रहे भाई हमारे? देखिए, एक एक भजन होता है, भाव होते हैं गुरु जी, एक भजन में भाव होते हैं, रूणी च बुलाओ ने, एक भजन में भाव होते हैं बाबा मारे घरे। मैंने आर्थिक स्थिति, जो वर्तमान स्थिति है हमारे देश की, इसके लिए हमने बाबा से एक बजट पास करवाया कुछ दिन पहले। हमारे कुछ भाव जरा हटके हैं, उसमें आप सब सहयोग करें, लेकिन बोलना सबको होगा। उरुणी चेरा राजा धन घनी घनी खम्मा खम्मा बाबा को सबसे प्रिय है ना, बजट पास करवाएं ताकि ये शताब्दी समारोह एक इतिहास बन जाए। बाबा माने 100 करोड़ दे दो बाबा, 100 करोड़ दे दो। मैं माफी चाहूंगा गुरु जी से, हम जानते हैं जो बिना मांगे दे वही तो देवता होता है, लेकिन हमने संसार जगत में ऐसा भी सुना है कि रोए बिगर माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसलिए भाव से गाइएगा। बाबा मन 100 करोड़ दे दो बाकी रखो जम्मा, ओ रूणी चेरा राजा धन घनी रे घनी खम्मा, ओ मेरा तेरा राजा धन घनी रे घनी खम्मा, ओ मेरा तेरा राजा धन घनी रे घनी खम्मा, ओ रूणी चेरा राजा धन घनी रे घनी खम्मा। मन 100 करोड़ दे दो भैया, थोड़ा मीठा मीठा ना करें, इनकी ताली बजे। रूणी चेरा ओ मैना तेरा लाला, हमने सुना है कि फीमेल की आवाज बहुत तेज होती है, क्यों? क्योंकि हमें तो फुलकों में जितना घी लगा के आप देती हैं हमको उतना ही खाते हैं, आपके पास तो पूरी घिलोड़ी ही रहती है, इसलिए इनकी आवाज तेज होती है। एक बार रूणी चेरा राजा ओ मैना तेरा घड़ी रे घड़ी खम्मा, 100 करोड़ दे दो बाबा मन 100 करोड़ दे दो बाड़ी चेरा राजा घड़ी रे घड़ी खम्मा, ओ मैना तेरा लाला घड़ी रे घड़ी खम्मा। बोलो बाबा रामदेव की जय हो। बाबो के देवे, बोले बाबो पर्चा देवे, मैं बाबा ने बोले बाबा पर्चा तो देवे ही है, अब पर्चा बांधे दे किने देना है? बाबा इतनो बड़ो आयोजन हुए, आर्थिक युग है, पर्चा देवो लोगाने और खर्चा देवो माने, पर्चा देवो लोगाने और खर्चा दे वो माने, एक एक मैं क्या बताऊं सब काम करनो थाने, एक एक मैं क्या बताऊं सब काम करनो थाने, रुपया सुघर में बाजे बाजे
रुपियों सु घर में बाजे छम छमा छम छम्मा ये भजन उस समय बनाया गया था जिस समय सच बताऊं जी मैंने अपने लिए नहीं किया था। सच में मेरे ऐसे भाव थे ना मुझे पुजारी बनना ना मुझे कोई ट्रस्टी बनना कुछ नहीं। मेरा सपना इतना सा है कि जो अगल बगल के लोग भी रामदेव रा न जा सके उनके लिए हमारे कलकत्ता में एक रूणीचा धाम हो ऐसा मेरा भाव। और मैंने बाबा से प्रार्थना की प्रभु हमारे कलकत्ता में इतने भक्त हैं आपने इतनों को सामर्थ्य किया और कुछ लोगों को सामर्थ्य के साथ सद बुद्धि भी दे दे तो मंदिर बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो उस समय ये भजन आया था कौन बनेगा है ना। तो मैंने सोचा कि उसके 15 दिन के बाद एक सीरियल और आया छप्पड़ फाड़ के। तो मैंने सोचा कि भगत लोग बोलेंगे छप्पड़ फाड़ के का तो भजन बनाया। मैंने एक महीना का पा दिया। मैंने बाबा से कहा बाबा थे छप्पड़ फाड़ देवो और थे देवता ही रहो मारे घर में बैठा रहे थे लक्ष्मी जी ने कहो थे छप्पड़ फाड़ देवो और देवता ही देवो थे छप्पड़ फाड़ देवो और देवता ही रहो हर घर में बैठा रहे थे लक्ष्मी जी ने कहो हर घर में बैठा रहे थे लक्ष्मी जी ने कहो रुपिया सु पापा राजे रुपिया सु पापा राजे और रुपिया सु पापा राजे और टाबरों दी अम्मा रुपिया सु पापा बोलो बाबा रामदेव की जय हो। अब गुरु जी को आदेश हम सब मिलकर हमारे आदरणीय श्री गोकुल जी भार्गव का स्वागत करेंगे और हम आमंत्रित करेंगे व्यास गद्दी की ओर। तो आइए हम सुनते हैं बाबा की एक अद्भुत कथा
आदरणीय गोकुल जी से। सभी शांति भाव बनाकर बैठे, सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहली बात यह है कि मेरे अवस्था के हिसाब से गले में बहुत कमी आ गई है। जो आप लोग आवाज सुन चुके हो शायद आवाज को नहीं मिली, फिर भी व्यास गद्दी पर विराजमान मुन्ना जी मैंने कहो कि समाज की कथा सुनाओ तो भगवान के दरबार में आए रहो, कोई बात को नहीं सही। लेकिन आप इतना ध्यान रख लो अगर स्वर में कमी गड़ो बैठो विचार मत करो, बस अभी अभी व्यास गद्दी पर हुए विराजमान के बाबा ने खम्मा खम्मा बहुत प्यारी है और पर्चा भूसा को नहीं दे सके, लेकिन मैं अपने आज संपूर्ण कथा एक ही भजन में सुनाऊंगा, शायद पहले कोई एक भजन सुना भी उसको आप लोग। खमा खमा रामा पीर बाप जी घनी खमा पीर रामा थारा गुण गावा सुख पावा राम सा रामा पीर बाप मापी आप पधारिया ऊ पबल्या मांडिया Ta-da!
चढ़ी खूंडण कमीस तू गया बाड़ी नाथ पिछड़ा ओ चढ़ी खूंडण कमीस तू गया बाड़ी नाथ छिपाया गुदड़ी भैरू पारन भी को आयो ओ भैरू गुदड़ी पारन भी को आयो ओ भागण लागो जब भैरू करो पिण यारो की बाड़ कपट करो पिण यारो डूबण लागी न्याव सेठ की दियो बाह को सारो सेठ की दियो बाह को उसारो सुन कर राम धनी का पांचों पीर पधारा परिचा सुन कर राम धनी का परिचा सुन कर
राम धनी का पांचों पीर पधारा ओ बिना कटोरा मैं नहीं जी मां मुँह से बचन उचारा ओ बिना कटोरा मैं नहीं जी मां मुँह से बचन उचारा ओ हाथ बढ़ा कर चिमटा खा पड़े ओ फिर बाप जी धनी खमा फिर रामा थारा गुण कमा सुख पावा राम सा ए ए ब्याव मंडो जब राम धनी को बाई ने बुनवाई ओ ब्याव मंडो जब राम धनी बाई ने बुनवाई ओ बालक जीव दी यो मैदा मैं बाई रोती पाई ओ बालक जीव दियो महला मैं बाई रोती पाई क्या राम धनी जग ब्याकर आया राम तू भाई ओ
रजत बुधवंती खुशियां पाछी आई ओ हेलो मारियो जग बुधवंती खुशियां पाछी सरवर को डाली सुगना प्यारी ओ खावो नीर करो सरवर को डाली सुगना प्यारी ओ जीवत समाधि बाबुली में नर और नारी ओ जीवत समाधि बाबुली में जान नर और नारी ओ जो जावे सो पर चपावे कुड़ियारी को मिटावे ओ आंगड़ा ने रखिया भांगड़ा ने हाथ पग कुड़ियारी को मिटावे चराज में लाखों यात्री मुँह मांगया पर पावे राज में लखो यात्री मुँह मांगया पर पावे ओ जो धावे तो पर चपावे आ
साजन आया अजमल घर अवतार की जय हो अगी कसर काट दी हां बोलो ना पूरा तो कोनी कह तू कोनी कह कह दिया जय तो हमने बोले आ संभाल ले जब रामदेव जी महाराज ब्याह कर रूणी से माया बहुरू ने जीवन दान दे दियो और महल में हर प्रकार से खुशियां मनने लगी आरती की रस्म पूरी हुई बहुरू को प्राणान हो कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले लेकिन जटाणी में सुनी पूर्वजा पापा ये सुनी कि कोलेरे की बीमारी से बहुरू को प्राण तोड़ो और भी बीमारी का कारण पूरा नगर में बहुरू ने तो जीवित कर दियो लेकिन नगर में तो फैलड़ी ही तो नगर में चौतरफ बीमारी फैलड़ी रात को टाइम है उस स्वागरात मनने के वास्ते तैयारी होगी लेकिन नगर में त्राई त्राई रोगी लोग कर दिया उपचार कर लिया आपकी जान में खूब इच्छा से कर लिया लेकिन बस श्री में कोनी आ रहे हो दाढ़ी अगे दाढ़ी बहुत मदद कर रही है दाढ़ी ने कहा भाई और साहब हुआ अपना सागे तू तो कुछ नहीं बीमारी पर आप काबू में कर सका बीमारी लेकिन कुंवर साहब तो आज बात की रात है बतो बैठे के करा दाढ़ी कहने लगी हाँ बात तो ठीक है लेकिन देखो भैया मेरो बैठे जानो उचित नहीं है लेकिन इस जनता जनार्दन के लिए अपना प्राणा की आहुति दे सकूं मैं जो दंड मिले को लेकिन मैं बांक न जाऊंगा तो आप जाकर खटखटाया दरवाजा रामदेव जी महाराज नेत्रदेव जी आप श्री में बात कर दिया और जब कुमार खटखटाया तो रामदेव जी महाराज डाली कुमार खोल लिया तो सामने डाली खड़ी है डड़ी ई वक्त आने को कारण कि कुंवर साहब बाप जी नगर त्राय त्राय कर रही हो बीमारी से अगर आप सागे हो तो बच जावे नहीं तो न जाने कितना आदमी मारे जैसे रामदेव जी महाराज कहने लग गया इसी बात है नितल देव जी ने पूछा थारो की विचार है कहने लग गया नितल देव के कहते कि जनता दुखी और आपा स्वागरात मनावा आ नहीं होनी चाहिए तो पहले बाकी सहायता करो जीवन बहुत पड़ी है हर दिन स्वागरात मन चाहिए जाओ अनुमति पाकर चल पड़े तुझे यहां भी बोलिया ना सेज सजी कलिया बिछी राहत के घर ना दुखियारी सेवा करे रामा राज कुमार रात सुहाग की महला का सुख छोड़िया भीड़ देखी भगता पर
उभराने पगा दूरी भावना से ऊंचा करतब मानिया, भावना से ऊंचा भावना है मेरी, यहां करा लेकिन करे है बस सोच बात तुम्हारा की सेवा में लग गया। तीन दिन तीन रात न तो रामदेव जी महाराज पानी तक को नहीं पियो, दड़ी भी साथ दियो बबी पानी तक को नहीं पियो। तीन दिन बीत गया, तीन रात बीत गई, तब कुछ राहत मिली तो डाड़ी भाई रामदेव जी महाराज कहे बेटा बहुत सब भाई लोग कहे डाड़ी भाई भाण है रामदेव जी की, रामदेव जी महाराज की भाण किया को पोषक है समार और भक्त है डाड़ी भाई, तो गुरु की आज्ञा के मायने शिष्य रब है बेटी बाणी पर विश्वास करे वो सफल हो गए। तो रामदेव जी महाराज के सत्संग में पालन पोषण में सहायता करी है सब चीजा से, तो बा भक्त ही तो बा भी में भी सहायता करी बीमारी में भी कण लगे अटाड़ी तो बड़ो परिश्रम करी है पानी पी बोलो अंधाता फिर मत स्वामी पीवे पहले बाद में। तो रामदेव जी महाराज कहने लगा इतना प्रेम है मेरे से बोल बोल ने के चाहिए बोलो मन के चाहिए थे मेरे सागे हो बस मेरी यही इच्छा है कि मैं आपके साथ हूं, मेरे साथ रहने की इच्छा है कि हाँ अंदाता बाबजी बस मैंने आपके साथ रखूंगा मैं आपसे दूर मत हूं ठीक है बैठे एक भजन है थे अकेली छोड़कर यानी थे अकेली मैंने छोड़कर चला मत ना जाए मैंने सागर आके रामदेव जी महाराज कहने लगा तथा मैं हमेशा साथ तो अठा तो यह बात है। अब आई बात इस प्रकार को वरदान मिलियो डाड़ी ने अब बहुत सकब है कि समाधि कमाए नहीं जो मर गा ब्रह्मदेव जी की भी को मत छोड़ियो मर गयो और रामदेव जी महाराज बैठी कर जा रहा है तो भाभी है जी की न बहुत प्यारी ही बा गाय रात भर राम हो कब है जिया दुखी होकर बोले तो रात भर बा राम ने जू जू बा आवाज लगावे जू जू चंपा जी को कैसो है जी को दुखी अब केक लेगा रात को वक्त करूं तो केक कहीं आए को दुख मिटे सवेर होयो तो भगवान हजी को बड़ा दयालु है सवेर होयो तो दातन करता करता और बठई आप पूछा भाई जी का घर ब्रह्मदेव जी को ब्रह्मदेव रो गांव है रामदेव को रामदेव रो दोनों अलग अलग इल्या लोग का नीचो बसायो रामदेव जी महाराज या रामदेव पहला पोटी नगर बसायो है जिको आज का दिन पोकरण गढ़ है इतिहास बताओ आज का दिन जो पोकरण गढ़ है वो पोटी हो भाण लक्ष्मण दाइज में दियो समझिया और दाइज में देने से आप छोड़कर सब चीज रूणी जो रामदेव रो बसाई बहुत अच्छी कथा है। तो बाद में
रामजी जी महाराज, यानी दाढ़ी की भी बात बताऊं क्या आपने? दाढ़ी कौन ही कन्या कोई है? दाढ़ी तो नाम सुनिया हुआ, सात आठ मील की, दस ग्यारह किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जाड़े बाबू कर बैठे एक बहुत बड़ो विद्वान ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण रहा कर तो भी कन्ने लोग पूछने के वास्ते आपका भविष्यवाणी यानी भूत भविष्य वर्तमान की बात पूछता तो वो मन सबने बता तो एक दिन बाकी पत्नी भी कह दियो स्वामी लोगा नहीं बताओ आप भी देखो जन्म पत्री अपना संतान है कि नहीं तो पंडित जी कह दिया भाग्य मत बोलने संतोष कर लियो। एक जनी बुढ़िया कहने लगी अरे तू तेरे पति ने क्यों कौन पूछा कि थारे संतान क्यों कोनी? बोले मैं पूछी मैंने कह दियो आपने भाग्य में कोनी? बोले वाह भाग्य में ही कोनी पंडित जी कहे है? बोले बावली है। अरे भगवान का लेख विधि का लेख कोई तपस्वी साधु महात्मा हो गए मिट सके तू मेघ ऋषि नगर के किनारे है जाकर मां की सेवा कर और जो तन मन धन से सेवा करे है बस सफल होया करे है। बहुत प्रेम से बात बाकी सेवा करी उस दिन बाद में पंडित दिया ने महात्मा जी की कृपा हुई बेटी बड़ी तन मन से तू सेवा करे कोई तेरे मन में विचार तमन्ना है क्या तेरी कि हाँ के संतान की बेटी तेरी तकदीर में तो संतान नहीं है लेकिन मैं मेरे तपोबल से तने संतान को वरदान दे रही हूँ तेरे लड़की और बहुत भाग्यशाली उसी मैं कि पालन पोषण जो करेगो वो दुनिया में अमर उजागर मन में बहुत खुशी हुई। अब इतना बड़ा तपस्वी को वरदान हो खाली क्या जा सके जहाँ कया करे आशा सहज याना गर्भ धारण कर ले गर्भवती। अब पंडित जी बोलिया आपने तो संतान है ही कोनी आ संतान की कामना से अपना सत्यत्व ने नष्ट कर लिया तो हमेशा याद रखने की है कोई भी कार्य करो अच्छा सच हो लेकिन पति के सामने हो चाहिए नहीं तो कलंकित हो जाओगा भाई बात होगी। अब जब संतान हुई है समय से तो परिवार का तो सब कोई खुशी मना रहा है लेकिन वो एक पूर्ण के मायने बैठो दुख कर रही है डाली की माँ बोली स्वामी परिवार का सब खुश है नगर में खुशियां मन रही है और फिर दुखी हो रहे हो की बात है? बोले मेरी संतान होती ना तो मैंने खुशी होती मेरी संतान है ही कौन है तन संतान के मौके मायने तू तेरू सत्य को मन कर दिया आ सोचते के साथ बहुत आप सब गया और अपना प्राण दे दिया। अब बात देखी ले इस संतान की कामना से स्वाग से हाथ बोल दो बेच कर भाभी मन मारी ले संतान महात्मा के पूछ के महाराज सात्विक विचार से मैं आपकी सेवा करी सात्विक विचार से आप मैंने वरदान दियो लेकिन मेरे लिए तो कलंक बन गयो अब या संतान जाने थे जाओ छोड़कर सतियों की। बाबा जी मन में विचार किया ले जानना पता दी आप ही की पालन पोषण कर सिया या अपना काम कर सिया जान लगायो इस सुख महापुरुष है जिकर की शरण में न दे दी जावे तो वो ऐ पर कृपा करे अंत में ऐ की पालन पोषण भी हो जावे। तो ध्यान आया श्री रामदेव जी महाराज टोकरी में स्वाकर जठे डाली भाई की जाड़ बाजे है पैदल जानिया भी जाड़ का पेड़ के अब इतना दिन तड़ी
पेड़ रस्क है जाड़ को नहीं रस्क है या कोनी को लेकिन बीजना डाली भाई की जाड़ ही आज भी कुआवे भी पेड़ के डाली के बंद अब शायर नाम कर कर एक समार है भी कभी कोई संतान को नहीं सुबह अभी की पत्नी कही रामजी जी महाराज तो बहुत ना कुछ देवे कोने धन दौलत देवे कोई ना कुछ थे भी संतान मांग लो तब पत्नी की बात माननी पड़ी पर सब सन्न सब कुछ दो मन भी कोई संतान को आशा लग गया अच्छा शायर तना संतान देखे बिक करने गया शायर चाल घूमना चल शायर ने लेकर जैसा जाड़ है बीज का पूछा बोला बडलिया है जिकिन उतार पेड़ पर से जो देखे तो बालक बालिका है और सभी में तो एक कन्या है कि हाँ हाँ उतार उतारी जो ही नीचे उतार कर वो भी उतरियो बिन हाथ में गई तो बोलो ना मैंने संतान छी ले इस संतान की पालन पोषण कर तो बड़ो खुश हो घर पूछो पत्नी कही कि को बालक लिया आया बोलो तू बोली ना राम जी ने कहो तो मैं कह तुमने दे दिया अब पालन पोषण करो बोले ने पढ़ांगा दूध चाहिए गो मेरे स्तना में दूध को नहीं जाकर पूछो गुरु साहब अब मैंने पढ़ा पोषण किया तो बोले जो स्तन का मुंह लगा सी दूध संचर जैसी भाई बात है दो चार दिन बाद में गुरु साहब इको नाम के रखो जावे भाई अपन डाड़ी से मिली है तो इको नाम डाड़ी रख डाड़ी नाम रख दी धीरे 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 बंदी हुई रामजी जी महाराज शायर सत्संग में जाया करते हर दस महीने शुद्धि पक्ष की दस महीने रामजी जी महाराज सत्संग कराया करता भी कमाए ना सत्संग ही बेड़ा होता तो शायर ने भी कहो भी बच्ची ने भी लिया है वो भी ले जावे भजन को प्रभाव शब्दों को प्रभाव दिन पर दिन सोचता सोचता एक दिन डाली कभी समझ मान लगी अब पांच सात वर्ष की हुई इतनी नम्रता कोई बोलता डाली बेटा यो काम यहाँ करिए तो यहाँ करिए ये बार दे जूता ठीक कर दे बार लकड़ी ले दे बाकी सेवा तन मन से कर मैं भी बहुत खुश होता है आठ दस वर्ष की तो रामदेव जी महाराज का बच गया चला लगा जीविका भी चले सत्संग भी करे और गौ का बच्चा की सेवा भी करे तो इस प्रकार से समय बीत गया है अब ब्रह्मदेव जी की बात में झूमर गाय जी की को बच्चों गुजर जाने से बात दुखी हो रही रामदेव जी महाराज दातन पूर्णा करता हुआ दातन करता हुआ रामदेव से ब्रह्मदेव ने पूछा भाभी देख कर देखिए आज मौको है कब है हाँ ए मोटा मोटा पीर कही जो दातन पूर्णा पैरो मोटा मोटा पीर कही जो दातन कुरला करो घर में बाप छड़ियो मरो छड़ियो जीरो ए मोटा मोटा पीर कहो दातन कुरला करो कोई घर में बाप छड़ियो मरियो पढ़ियो जियो खम्मा खम्मा पीर की थन पदवी मिल गई
अरे जरा भी विचार कोनी थी दो घर में बछड़ी उम्र पड़े और फिर दातन कुला कर जाओ बुझाई की बात कर रहे हो बछड़ी उम्र पड़े हुए कटे बोले बो बटे बोले जाकर देखो सुत्ती है मरेडो कोनी बुझाई कहने लगी अच्छा पीरवानी कोनी चलेगी मैं रात से देख लू बछड़ी उम्र पड़ी है गा राम रही है मैंने कहो जूठी बात करो बोले हाँ जूठी सांच की मेरो पड़ी सी थे जाओ और जाकर देखो तो आसूत के साथ ही चंपा दे फटाफट भागी पगान की आवाज सुनी और बछड़ी हो चिमक कर उठो उठते के साथ ही चंपा दे कहने लगी वाह वाह जय हो बाबा बस ना जीव गान अब तो बड़ी खुशियां मनने लगी अब बुझाई तो बुझाई ठहरी ना झटी बैली जुताई यानी पहले बैल गाड़ी चलिए करते मैंने बैली कबे बस जुताई और ब्रह्मदेव से रामदेव आवे निकल दे निकले मैं सुनी है अरे बालक कुम्हार हुए बोले हाँ तो फिर पूछो लड़को से लड़की निकल दे कहने लगी बुझाई सा भाभी जी और तो काम पूछो अच्छो को नहीं मैं नाराज हूँ बोले के नाराज हूँ पूछना ठीक है रात ना आया अच्छी तो ही निकल दे कहने लग जा बताओ लड़को सी या लड़की बोले बुझाई आई गे करने थर बोले हाँ तो ठीक है थर लड़को सी ठीक तो पहलो लड़को हो साधो जी रामदेव जी महाराज का दो लड़का है बड़ा लड़का को नाम है साधो जी और बाद में होया देव जी देव जी जिया रामदेव रे को ऊपर राज्य है जिया ऊपर रहा है बजे है बाको के तो साधो जी तो जिया ही पांच चार वर्ष सात वर्ष का होया वो समायो दर्शक तपस्या करने के लिए निकल गया और देव जी हाँ तो एक प्रकार से दोष निकाल अब 24 यानी बांका कितना दिन बाद में 24 साल बाद में जब रामदेव जी महाराज 54 वर्ष की अवस्था का हुआ 54 वर्ष की अवस्था का होने पर ध्यान में आई कि जिसका कार्य के लिए आया आया है वो कार्य आपको संपन्न हो गया बापा ने सर्वधाम सालों से तो माता पिता या बहुत सभाई कब है ना बोले श्री फल लेकर जोशी जी जावे तो मैना दे ने वो श्री फल देवे क्यों अजमाल जी तो नहीं आगे या करता धरता मैना दे और फिर ठाकरा कर राज घराना कर अजमाल जी ना देवे अजमाल जी का सच्चा मैना दे रखते हैं जिससे ध्यान में रखने के बाद अच्छे कौन लगे तो अजमाल जी कहने लग गया माता पिता का होते हुए पुत्र समाधि ले सी बोले वो विधान है मैं जी काम के लिए आए हो वो काम पूरा हो अब मना मेरा दाम जाना अच्छी बात नितिन देव जी कहा कि थे चिंता मत ना करो जितने दिन मेरी समाधि बनकर पांचवों दिन आरती होगी सारी जोत मेरी जोत में समाज नेता दर्जी भी प्रसन्न हो गए चलो ठीक है इस प्रकार से समाधि को दिन है जिसको बाधवा सुधी अष्टमी को दिन तय करो गई सम्मत 1515 में आयो आपका भाई बंधुआ ने कहे देखो भैया
जितना भी थे मेरा भाई बंधु हो, मैं जाऊंगा समाधि लेने के वास्ते, तो थारी आंखें कमाई ने एक आंसू नहीं छी, जिया दूल्हे ने लेकर जावे बरात में, बराती भी प्रकार से खुशी खुशी गाता बजाता मेरे सागर चले। ठीक है, राम सरोवर पर पूछा और राम सरोवर पर जगह बता दी, इस जगह समाधि खोदो, तो समाधि खुदन लग गया। और समाधि खोदे जी वक्त कब है, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी भिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आकर थाने कवे कि समाधि न खोदो, से मत रखो, अब आप मेरी मानोगा। कहने लगे जब आप मना कर दिया हो तो मन खोजने की दरकारी के, बहुत अच्छी बात है, तो बोलो नहीं खोदोगा तो मैं एक वरदान दे रही हूं, पीढ़ी पीढ़ी पीर थारे घर में प्रगट सी, रामदेव जी बचन उचारा जियो, पीढ़ी पीढ़ी पीर थारे घर में प्रगट सी, रामदेव जी बचन उचारा जियो, खम्मा 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 रे खबर अजमा। बाबा रामदेव जी महाराज आपका परिवार आना है, परिवार आना कब है कि हर पीढ़ी कमाई में एक शिव पुरुष मेरे जसोसी, मेरी इतनी जरूरत को नहीं पड़े, याद को नहीं आवे। कहने लगे बहुत अच्छी बात है, अब समाधि खोदनिया, समाधि खोद रहे हैं, डोल नगारा बाज रहे हैं, डोल नगारा की आवाज जंगल में डाली बाई बच लिया सराजी बिना सुनी, तो एक राहगीर जारी हो बिना देख कर कहे, ए मारे दिए आलोड़ा बीरा कठिन सुआई, रूनी छ में बाजा की कर बार, मार किए चाटोड़ा बीरा की कर आयो, सरका में बाजे की कर बाजा अवतार की जय हो। हे भैया तू कठिन साहिब है, अरे ऊंचे में बजा कि बज गया है, क्यों उत्सव हो रही है, तब के कह वो, ए रूणी चेहरा राजा डाली लेवे है समाधि, रूणी चेहरा ढोल नगारा गणा बाजे जियो, ढोल नगारा बिका बाजे जियो, खम्मा 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 रे खबरे अजमा, अवतार दियो उतार दियो, बारी बारी खम्मा रे खबरे अजमा, अजमल घरिया उतार की जय हो। रूणी से करा जा डाली समाधि ले रहे राम सरोवर पर डोल नगारा बज रहे, या सूक्त के साथ ही डली ने चक्कर बेहोश होश माई, तब देखिए अरे बाप जी तू समाधि ले रहे और तू बच लिया सिरारी है कि बंका दर्शन भी को नहीं करेगी, तब बच लिया ने भी सागा है और बाद में को मनु है खेता मारिया नहीं रहे, तो बछड़िया ने खुला छोड़ना खेता में नुकसान करते, तो कब है बछड़िया मेरा थाना गुरु पीर जी की आन है, समझ पड़े घरे जाजो जी, दिन में कोई को हरियो पेट मत ना खायो और सांझ होने पर घर चला जाए अपना, मैं बाप जी से मिलने के लिए जा रही हूं,
इतने कहकर राम सरोवर पर अब इकट्ठा हो रहा सब कोई, जाकर विश्व रामदेव जी महाराज के सामने जाकर खड़ी हो गई। सबको देखे बुलिया लड़की डेढ़ा की इस प्रकार से सामने जाकर कुंवर साहब के खड़ी होगी, बंक बर्दाश्त करी उसकी, लेकिन रोक भी तो कौन सका भी नहीं, क्योंकि रामदेव जी महाराज डरी से प्यार करता भक्त जानता। नुगरी जान मत छोड़ो मारा बाप जी, बाप जी मैंने नुगरी समझ कर इस संसार में छोड़ कर जा रहे हो के? नुगरी जान मत छोड़ो मारा बाप जी, चरण कमल बिच राखो जी वो मारे चरण जान मत बाप जी, चरण कमल बिच राखो जियो खम्मा खम्मा खमारे कबर अजमाल अजमल अवतार लियो बारी बारी खम्मा मारे द्वार करे नाथ। और साहब वरना आपके चरण कमला में रख जी महाराज कहने लग गया, अरे तना जाने की केकर का है रह तू उठे प्रेम से गाय का बच्चा की सेवा कर। कहने लगी मैं तारे बिना को नहीं रहूं अकेली, और थे मैंने वचन दिया कि हमेशा साथ रखूंगा, तो थे अकेला समाधि कह ले ले छो समाधि मन ने पहले दिलाओ। तो भूपनाथ चार सौ खड़े होकर के एक वर्षा एक हृदय की लड़की ने इतनी मुंह लगा ली भी समाधि लो जरा भी कौन सोच रहा है। रामदेव जी महाराज कहे अरे भूतनाथ मन न मिले जी का तो सारा ही ढेर मिल गया। आपने पता ना काग पढ़ायो पिंजरो पढ़ गयो चारो बेद, काग पढ़ायो पिंजरो पढ़ गयो चारो बेद, समझायो समझो नहीं रहो ढेर को ढेर। हाँ लोगों ने हाँ चौन वर्ष के अवस्था में थारे सागर में रही हूँ, और एक एक बात को था लोगों ने मालूम हो लेकिन थारे एक कभी समझ में कुछ नहीं जो आज फिर बता रहे हो। अरे जी की सात्विक ढंग से रहे सत पर चल रहे है और भगवान का भजन करे जी को ढेर उसके है ढेर को बिना कहीं नहीं उसके। वो दुखी होकर या बात कही कहने लग गया थे यहाँ की पक्ष ले रहे हो पक्ष कौन ले रहे हो सही कह रहे तो मैं योग्यता है क्या समाधि लेने की या प्रक थे करो थालोगान छूटे थे प्रक करो। तो कब है कि बाबजी तो समाधि ले रहे तू समाधि का योग है, बोले के भेरू मैंने मैं योग हूं तो नहीं थे के कहो चाहो जी के बताओ। और सुनो भविष्यवाणी मेरी पहली आई है कि ये मैंने वचन दिया साथ में रखने का तो ये समाधि खुद रही है ना बाप जी का वास्ता कौन है मेरे लिए है समझिया। पहले मैंने समाधि दृष्टि बाद में आप के की समाधि में तेरो अधिकार है तेरे लिए तब है आटी डोरा कांश निकले तो मेरी समाधि खड़ाऊ पाठ पीतंबर निकले तो बाप जी की जय हो। खुद यह समाधि खुदी खोता खोता वन आटी डोरा कांशी ये चीजा मिली लेकर सबके सामने पेश करी ये मैं समझ में तो ये निकला है। रामदेव जी महाराज कहने लग गया वास्तव में डाड़ी की भाई डाड़ी की जो वाणी है बस से डाड़ी के वास्तव है डाड़ी सब देख कर अचंभव में रहेगा। बाद में कहने लग गया तो फिर माने के करणों से बोलो थाना है यही करणों से
सब मिलकर सम्मान के साथ समाधि दिलाऊंगा। और डाड़ी ने कहो तेरी इच्छा और बता, बोले बस मैं समाधि ले लू ना, बिक बाद में बाप जी आपका नाम की महिमा, आपकी महिमा हर वक्त मेरे खाना में पड़ती है, बस इच्छा। तो रामजी जी महाराज डाड़ी ने समाधि दिलाई, तो समूह बोले ए धन धन दाढ़ी भाई जुगड़ में अमर, धन धन दाढ़ी भाई जुगड़ में अमर, बाप जी से पहलो पायो जियो, ए बाप जी से पहलो पद पायो जियो, खम्मा 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 मारे द्वारे कारे नाथ, अज मन घरी अवतार की जय हो, धन हो डाड़ी तो बाप जी से पहलो पद पायो। तो आज का दिन डाड़ी भाई की समाधि जगह है, तो मान रहे हैं जमल दिया बैठा रहे ना, क्यों बैठा रहे बाने बैठा अधिकार को दियो। रामदेव जी महाराज कहा कि मेरी भक्त डाड़ी इच्छा है कि हर वक्त मैं आपकी महिमा सुनती रहूं, तो बैठा भगवान को कीर्तन जमा जाकर वो तरव है और डाड़ी भाई सुनती रहे। अब रामदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से जिदा बताया डाड़ी मैं बहुत तेरे पर प्रसन्न हूं और यह कह रही हूं कि जी को मेरो भक्त है, जी को मन चावे मेरे द्वार पासी तो धोख बिना तेरे लगसी बाकी यात्रा सफल। बोलो एक बार डाली भाई की। लोग हजिका इतना भावुक हो जावे है, राम जी के मंदिर में जावे डाली का कौन जावे, लेकिन जावे का क्या भावना ही सीखो नहीं, डाली का प्रति भावना हुआ है जी को जावे। तो इस प्रकार से रामदेव जी महाराज डाली ने समाधि दिलाई, यो वरदान भी दे दियो। तो अष्टमी का दिन जी के राधा अष्टमी भी कब है, लोग भक्त है पुराना भैया भी कहे राधिका जी को जन्म अष्टमी न हो राधा अष्टमी बोले, और डाड़ी भाई समाधि नहीं, भक्त भक्त लोग बोला कि तो आज तो डाड़ी भाई समाधि ले ली और साहब अब आप आज ही होगा समाधि, बोले आज तो खोल लो, तो बोले अब फिर लोगों की आंख खुली, लोगों का ध्यान में आई अरे कुंवर साहब तो जहर है अब भी कुछ जीवन को कल्याण हो गए इसी बात का पूछो कोई सोरास तो पूछो। तो कहने लगा कुंवर साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मंत्र तंत्र जाना कौन, ये तो ब्राह्मणा का काम है, बक्का वजिया मैं करा लेकिन मैं पूजा करा तो फिर के मंत्र से करा के नहीं करा। तो जी अपना गांव है ना और देवा का मथा पूजी जा मारे बाप जी का पगलिया पूजा जी, तो पगलिया पूजा तो पगलिया की हुआ है, धोख भी पगलिया की लगे सिर का कन्ने को नहीं लगे सिर बुड़ जावे अगर सिर का आगे लगाया तो है सही बात। तो रामदेव जी महाराज अनपढ़ आदमी गंवार कुछ नहीं जाने बांक लिया गया कि लाख अपराध करो और जाकर चरण छू लो, चरण छू लो क्षमा मिल जाए और फिर भी क्षमा नहीं करे आग लो
तो खुद दोषियों जैसी तू शरण पूजा करो बस थरोई में कल्याण। जब से कोई का बड़ा भी बड़ा का भी चरण पूजो कोई बात बात है और बाबा का तो पूजो ही हो कोई बात नहीं तो शरण पूजा जैसे शुरू हुई। भेदभाव मिटाने के वास्ते जी एक भजन है ना बार शुभ घड़ी तिथि आठ ने मेरो पीरारो दिन दिन आयो नौमी रे दिन नेजा रोपिया दस महीना जमलो जागे दस महीने भगवान रामदेव जी महाराज खुद सत्संग करियो और भी कमाई ने आपका मता अनुसार लोगा ने शिक्षा दी महिमा गाई गई रामदेव जी महाराज की तो दसवीं आ दिन ये सब होया। एकादशी ने समाधि ली तो आप जानो हो जय जयकार हुए अजमल घर अवतार की जय हो। बाबा के कुछ चढ़ा दिए जाए बंद धारी ने खोमा घर अवतार ने बाबा को नाम अपना मरु मयंक बाबा रामदेव जी ने कहे को मत जानो ना आप लोग जानो कि कोई बाबा को नाम है मरु मयंक यानी दोहरा को चांद समझिया तो दोहरा का मायना है एक चांद जो जिसको पूरे मरुस्थल में पार प्रकाश करते भेदभाव ने मिटा दिए। इस प्रकार से समाधि ली गई और समाधि का समाचार जो है वह आपका रिश्तेदारों में भेजना शुरू कर दिया। हरपुर जी नाम कर रामदेव जी महाराज का मौसी का लड़का सांखला राजपूत वह भी बहुत बड़ा सिद्ध होया है बांको बेंटी के माई ने गाडो पूजो जाए गाडे की पूजा हुआ और भी गाडे का वास्ते कब है बटा करणिया के गाडा का जो पुठी लागे काठ की यस सड़क पर चले वे बारह मना के माई ने घिस जावे ई वास्ते दूसरी लगानी पड़े बात तो वह जी हा जी का रामदेव जी महाराज का परम मित्र भक्त तो बहाना एक दिन रामदेव जी महाराज कहा हरबू में समाधि ले और तेरे से मिलूंगा जरूर विश्वास और जब ये समाचार पूछा तो विश्वास बनी क्यों कौन साहब यानी रामदेव जी महाराज भाई जी कते झूठ बोली कर सके मन कहो कि मैं मिलूंगा तो समझ नहीं मेरे से बिना मिले ले क्या लिस्ट है झूठ है लेकिन कई दिन होगा अपन मिलिया भी चलो मिलकर भी अच्छा और भक्त भाई बंधु आना और मोदी आज सोचकर चल गया तो एक तो शोक में जावे और एक ब्याह में जाओ उत्सव में जावे शोक में जावे जिसको शोक का कपड़ा पहने जावे लेकिन कोई उत्सव में जावे तो वो आपके हिसाब से जावे तो केसरिया सब कटार कमर के घोड़े पर सवार ऐ प्रकार से चलियो ग्रह से तो अच्छा सगुन अच्छा होया पानी की पानी रहा दाई नहीं मिली सोन चिड़ी शाम नहीं मिली गदो बायो मिली तो इस प्रकार से अच्छा सुगन होने से यो विश्वास होगो आपने भाई जी अवश्य दर्शन देवेगा मिलेगा और आज सोच कर आगे जावे तो लीला लीला घोड़े ऊपर
सजा बाबो चढ़िया बाबो राम जे घोड़ लिए असर दोसरा जियो होली ले लीले घोड़े ऊपर चढ़िया बाबो राम जे घोड़ लिए असर लोचरा खम्मा 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 रे कवरे अजमा कोई घर आजे मने अवतारे लियो वारी वारी खम्मा रे कवरे अजमाल अजमल घरी अवतार की जय हो बाबा लीले लीले घोड़े को ऊपर चिड़िया और घोड़न घास रह गया। हरबूजी दूर से देखा, बोले वाह वास्तव में सुगंध सच्चा होगा अपन और भाई जी तो प्रत्यक्ष खड़े हैं। अठने से रामदेव जी महाराज भी आवाज लगाई, अरे हरबूजी, अरे बहुत दिन से मिल गया, बहुत दिन से मिल गया, आ जाओ आओ बैठो। कन्ने बुलाया, घोड़ा की झूल बिछा कर जाड़ी का नीचे बैठ गया और अम्बल खाया। लेखने का माय नहीं आगे करिए कि अम्बल खाया अम्बलड़ा। तो इस प्रकार से मिलिया, काफी बातें हुई है। होने के बाद में अचानक रामदेव जी महाराज ये कहे, ए चलो चलो हर बूजी थे अपनी को तैरिया, चलो चलो हर बूजी थे अपनी को तैरिया, खम्मा 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 रे कवरे अजमा अजमल घरी अवतार की भोजना कब है। हलो हलो हर मुझी आपनी कोटड़िया गोड़न घास सराय घर आऊं जी यहाँ कब है। लेकिन ना बात अठा जरूर अटक लो मैं कि भी बात में सुधारनी है गोड़न घास सराय ई वास्ते ए चलो तो हरबू जी चल चले थोड़ी दूर गए। अरे हरबू आ के बात, अरे ये चीजा तो लेती जा के की चीज देवे। ए रतन का तोरो माता मेरा देने रतन कटोरो माता मेहनत देने दिए सोनो चिटियो भाई ब्रह्मदेव ने कमर कटारी रानी नेतल देने दिए दिए और भाईड़ा ने मेरी तरफ से रामा सामा कही। हर बुजी का समझ में कोई आई किसी बोले ने घास चरा करा रहा है तो फिर रामा सामा भाईड़ा ने क्यों दे रहे हैं चाल पड़े रस्ते का माय नहीं जठी करा रहे राम सरोवर बीच में राम सरोवर पर सभी के ठावरे
ए छोटा छोटा बालकिया कहे बाप जी पुकार। छोटा छोटा बालकिया कहे बाप जी पुकार। छोटा छोटा बालक है जिका तो बाप जी बाप जी बाप जी कर रहे हैं, और बड़ा है जिका सांस मार मार कर कहे हे राम रे हे राम रे। और भक्त लोग के कहे राम सरवरियो धनिया फीको फीको राम सरोवर धनिया फीको फीको लागे। अवतार की जय हो। राम सरोवर है जिको सुनो सुनो लाग रही है, और थारे बिना तो बड़ो फीको लाग रही है। और साथ थे होता तो कितनो आनंद आता। इस प्रकार से शोक का शोकातुर होकर ये बात कर रहे हैं। हर बुजी से नहीं इकट्ठा थे क्या, और जाकर खड़े हो बीच में बोले है मूर्खो कपट मासूम किस बिधर रचियो। अरे मूर्खो से मारे से कपट क्यों रचियो। सब कोई कहने लग गया अरे हरगुजी के बोल रू है मैं थारे से कपट क्यों रचंगा भाई। बोलो कपट नहीं रचियो तो और के। भाई जी का झूठा समाचार मैंने थे क्यों दिया क्यों दिया। मैं आज समाधि रही देख देख पीछे बात कर तू झूठ बोल रहा है के सबूत है तेरे पास कि मैं झूठ बोला। तब कह भाई जी से मिल कर आयो जियो मैं तो झूठा भाई जी से मिल कर आयो जियो खम्मा खम्मा खम्मारे कवर अजमान मले अवतार लियो बारी बारी खम्मारे कवर अजमानरा। अजमल घर अवतार की जय हो। मैं अभी भी भाई से मिलकर आई हूँ के मिलकर आए हो समझ में लेड़ा मिलकर आए हो के बात कर रहे हो। हरबुजी कह रहा गया ठीक कर रही हूँ। बोलो थारे पर के प्रमाण है के मिलकर आए हो। जग 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 प्रमाण दिखावे और रत्न कटोरो माता मैना दिन देने के वास्ते कही हुए देखो कमर कटारी रानी निकल देने देने के लिए कही है। और सोन छिको भाई ब्रह्मदेव ने और जितना भाई बंधु थे सब ने अब सारी बात याद रखे रहे हैं। आ तो माया दिखा गया वास्तव में ही समाधि ले ली आपने वादो करे हो कि मैं तेरे से मिलूंगा तो मैं वादो निभाई वचन दिया जिका निभाया और वास्तव में समाधि ली। अब लोग जिका रतन कटोरो सोन चिटियो और कमर कटारी ऐ देखी तो विचार करे तो सब अपन समाधि में रखी को मतलब अपन धोखो देकर चकमो देकर चला गया अपना अच्छा भाव को नहीं अपने से दूर हो।
એ જીણો કહેણ લાગ્યો, અરે દૂર કે હોગા બે અટસે નિકળ ગા તો દેખ લ્યો, મને સમાધિ કા હે કોની. એ જીણો કહેણ લાગ્યો, ના 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 ભૈયા મના કર્યા, બે આપણને સમાધિ કોની ખોજણી. બોલે કે કોની ખોજણી, ખોદો. અબ સમૂહ બોલ પડે તો એક દો ચાર જણાથી પૂછી કે બળ ખોદત ખોદત બેતો લેકર ફાવડો બે જમી ઉપર માર્યો. જે સમાધિ વાપસ ખોદણા કે વાસ્તે ફાવડો લેકર જમીન માં મારે, મારતા કે સાથી સમાધિ મે સે આવાજ નીકળે, લેકર ફાવડો બે સમાધિ પર માર્યો. બાપ નહીં નહીં બચન ચાર્યા, નહીં નહીં બચન મને હવે તારી લિયો, વારી વારી ખમારે કબર અજમાલના. અજમાલ ઘરી અવતાર દી, જો ફાવડો લેકર જમીન પર માર્યું હે તો સમાધિ મે સવાજ નીકળે, અરે મેરી સમાધિ મત ખોદો મત ખોદો મત ખોદો. લેકિન કું સુણાઈ કરે, ખોદણિયા ખોદતાઈ રહ્યા. ખોદત ખોદત સમાધિ ન ખોદી, ખોદત ખોદત સમાધિ ન ખોદી, ખોદત ખોદત સમાધિ ખોદણિયા. સમાધિ મેં ખોદી, ફૂલરારી સુગંધી બઠે આઈ જીવો. ખોદત ખોદત સમાધિ ને ખોદી, ફૂલરારી સુગંધી બઠે આઈ જીવો. ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મારે કબરે અજમાલના, ધરે અજમલે અવતાર લિયો, વારી વારી ખમ્મારે કબરે અજમાલના. રામદેવજી મહારાજ તો કોની મળ્યા, ફૂલ મળ્યા. લેકિન ફૂલ દેખ્યા તો ગભરાયા, કોની લેકિન પ્રગટ હોયા. પ્રગટ હોય ઓર કવે, એ જાવો રહે ત્યારો મારો પડતો ઉભડો, જાવો હે ત્યારો મારો પડતો ઉભડો. ભીખ માંગતા છે એ સોગીઓ, જાવો રહે ત્યારો મારો પડતો ઉભડો. માંગતા રહે જાવો જીઓ, ખમ્મા ખમ્મા ખમ્મારે કબર અજમાલના. જુગડે મેં જોતિ સવારી જીઓ, વારી વારી ખમ્મારે કબર અજમાલના. જય હો, જાઓ અત્યારો મેરો પડદો ઉગાડ્યો હે, મેં તને મેરી તરફ સે જો વરદાન દીયો હો કે પીડી પીડી હર રામદેવજી મહારાજ કા બહુ સંસ્કાર હૈ, બહુ સાદમી થાને સેવા કરતા મિલેગા, મેં થાને દર્શન કરા દ્યા યા કરા દ્યા બા કરા દ્યા, ઓર માને આપા કુછ કુછ દેવા હા દર્શનાર્થ. સભી શાંતિ બનાએ રખે. અબ વો વરદાન મેરા ભક્તા પર લાગુ જીસી, એ આંધળા ને આંખા કે પાંગળા ને હાથ પે, હે આંધળિયા ને આંખા દેસી પાંગળા ને પાપ જી, ઓ બિયારી ખોટ
जियो खम्मा खम्मा खम्मारे कमर अजमालरा अजमल घरिया उतार की जय हो कोडिया की कोड मुटसु आंद्रा नाक पग आंद्रा नाक आदेश में पांगड़ा ना हाथ पग इस प्रकार से तब है एनि पुत्रा न पुत्र देशु निर्धनिया न भोनी पुत्रा न पुत्र देशु निर्धनिया न धने मारे अगतारो देखो कई दिन से समाधि गई एक जगह मेरी भी जो रामदेव जी महाराज सब समाधि के टाइम में दिया अभी याद आया होने के बाद में खैर सुन लो बस शब्द चार दिना के मेरे में कितनो मोह बढ़ायो आज बिछड़ कर जानो पड़सी माफ करीजो भायो मैं तो चालिया मारे गांव भैया सग भाई मैं तो मार चालिया मारेगा था सगड़ा नेरा मैं तो चालिया मारे काव था सगला ने राम राम मैं तो चालिया अपने काव था सगला ने राम राम 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 मैं तो चालिया मारे काव था सगला ने अच्छा कब है कि हिंदू के उस मुसलमान एक बराबर सब इंसान करता रिजो चोखा चोखा काम बसता रिजो सुबह शाम इस प्रकार से कहता हुआ समाधि भाई मैं चाहूंगा हमारे मुन्ना भैया भाई दो शब्द बोले ये हमारे लेजेंड हैं दो शब्द मुन्ना भैया बोलेंगे गोकुल जी भार्गव जी के लिए शब्द गोकुल जी के लिए शब्द कहना हमारे शब्द कोश में नहीं है कि हमारे आदरणीय हैं और हम भाग्यशाली हैं कि हमने आज इनसे समाधि की कथा सुनी आखिरी लाइन में हम कह देते हैं भाई सामने चलो आप सबको चतुर्दिवसीय कथा की सभी को आप लोग सभी इस कथा के बधाई के पात्र हैं और हम आखिर में दो लाइन कहें राम राम कर लीनी समाधि रामा संत सुजा युगा युगा तक गावसी
अरे सारा गीत आयो चालिया मारे का हंस खिला राम जाओ चालिया मारे का हंस खिला बराबर सब कथा विराम लेने से पहले आपसे हमसे कोई भूल रही हो रोज की तरह पहले मैं दो लाइन कह दूं। मुसाफिर है हम तो अब चले जा रहे हैं, बड़ा ही सुहाना कथा का सफर है। पता पूछते हो तो बस इतना पता है हमारा ठिकाना रोईचा नगर है। मुसाफिर है हम तो सितारों को आंखों को मैं महफूज रखना, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर हो हम भी मुसाफिर है, फिर किसी मोड़ पर बाबा की कथा में मुलाकात होगी। आइए दोनों हाथ ऊपर करके जो भी ओम हरये नमः हो, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। समाधि के बाद अब कुछ ना होगा, सिर्फ यज्ञ होगा। जो आहुति देने वो आहुति दे, बाकी के सभी प्रसाद लेकर आज की कथा को यहाँ विराम। धन्यवाद। बोल सच्चा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ॐ रामदेवाय नमः स्वाहा, ॐ नेतनदेवनाथाय स्वाहा, ॐ रामदेवाय नमः स्वाहा, ॐ रामदेवाय नमः स्वाहा। अधिपूरुक सजातो अतरिच तपसा भूमिमथो गुरः तस्माद्ज्ञा सर्वौषः संवृतं प्रकृतादं पशुस्तान् चक्रेमाय ज्ञानारण्या ग्राम्यासजे तस्माद्ज्ञा सुरवृत्तः सामानि जग्निरे छन्दा बुद्धि जग्निरे तस्मादस्मादात अजामय
तम दत्तांबर ही प्रोखं पूर्वं दातमग्रह तेन देव अयदन्त साचारिकयद देवेदुः प्रतपयन्ना मुखं किमस्याचित् किं बाहु किमोनो बाला उचेते ब्राह्मणो स मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः भंसोऽत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात सौभंसो दौवजायत श्रोत्रर्वायुष प्राण च मुखाद निरजायत ताभ्याः तेतान्तरिकंसी नौजौ समवर्धता पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रादगादोरान्न कल्पयन्ना ॐ राम